और अब एक ऐसी खबर जो न सिर्फ परेशान करने वाली है बल्कि सावधान करने वाली भी है। अफ्रीकी देश कांगो में यूपी और बिहार के 42 लोग बंधक बना लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी के लिए वो वहां पर काम करते थे उसने उन्हें बंधक बना लिया। 8 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। कांगो में फंसे इन लोगों ने घर वालों को वीडियो भेजकर अपनी तकलीफ बयां की है। विदेश में फंसे इन 42 लोगों में से 12 गोरखपुर के चौरी चौरा के रहने वाले हैं। इनके परिजनों के मुताबिक कांगो में उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, एक ही टाइम थोड़ा खाना मिलता है। परेशान परिजनों ने गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और कांगो में फंसे अपनों की आप बीती इस तस्वीरों ऑडियो वीडियो क्लिप के जरिए सांसद तक पहुंचाई है। परिजनों ने पीएम मोदी से भी गुहार लगाई है कि किसी भी तरह कांगो में फंसे इनके अपनों को छुड़वाया जाए। इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पर कम से कम 19 जनवरी 2016 को आया था इधर कांगो में। यहाँ आने के बाद मतलब कि एक महीना का पेमेंट दिया, अब मार्च महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं दे रहा। जब पेमेंट मांगने के लिए जाते हैं तो कहता है सरकार लोन देगी तो मैं दूंगा, नहीं देगी तो मैं नहीं दूंगा। तो हम जब भी मांगते थे कहता है पैसे नहीं है, सरकार देगी तो दूंगा, बताइए इसमें हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, इस तरह हम फंस गए हैं, हमारा पैसे निकलवाइए, हमें यहाँ से निकलवाइए। हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग घर में बहुत परेशानी है, 7 महीना हुआ है अभी तक पैसा नहीं मिला। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग इंडिया जाएंगे तो कैसे भी हम लोग कमा के हम लोग परिवार को कुछ खुशी रखूँगा। हम लोग इसी यहाँ दुखे, हम लोग परिवार भी दुखे, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं हम लोग कैसे भी हमला इंडिया गवर्नमेंट हमारा इंडिया गवर्नमेंट कैसे भी हम लोग निकालिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कांगो में बंधक बनाए गए भारतीयों के परिजनों का क्या कहना है। हमारे पति 16 जनवरी को यहाँ से विदेश गए हैं, किस दिक्कत से गए हैं, ब्याज से पैसा लेकर हम दिए हैं, 5 कट्ठा खेत तवा बांधे रखे हैं, कहाँ से हम पैसा लाएंगे, कितना कितना हम कर्ज लिए, हमारे कर्जदार भी हमारे पास आते हैं पैसा मांगने के लिए, हमारे पास है नहीं तो हम क्या करें। हमारे बच्चों की पढ़ाई सब बंद हो गई है, फीस नहीं हम दे पा रहे हैं, खाने को नहीं दे पा रहे हैं, नमक रोटी हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। चौरी चौरा क्षेत्र के 12 लोग हैं और बाकी लोग बिहार के, टोटल कुल 42 लोग साउथ अफ्रीका के कांगो में फंसे गए। उनको एजेंट ने ये कहकर ले गए कि आप वहाँ चलिएगा, आपको 50,000 सैलरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। इसी लालच में लोग अपने घर को ज़मीन को बंधक रख के कर्ज ले करके और एजेंट को पैसा दे करके 65,000 रुपया दे करके साउथ अफ्रीका गए। बात होती है, कहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा, आज मिलेगा कल मिलेगा, तो अब तक पता है कि वीजा भी खत्म हो गया, पैसा भी नहीं मिला। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से बात की है, केंद्र सरकार ने जल्द मदद का भरोसा भी दिया है। कांगो में चोरी चोरा क्षेत्र के 42 लोग एक कंपनी के द्वारा अच्छा मानदेय और नौकरी के नाम पर यहां से ले जाया गया, लेकिन वहां ले जाकर के उनको एक ऐसी फर्म में भर्ती कर दिया गया जहाँ 8 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और उनके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार भी हो रहा है। कल उनके परिजन चोरी चोरा क्षेत्र से जो जुड़े हुए सभी लोग थे तो मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैंने भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी से इस संबंध में चर्चा की है, कागजात उनके पास भेज दिए हैं। आपको बता दें कांगो में फंसे यूपी के गोरखपुर और बिहार के इन 42 लोगों के को ओम प्रकाश यादव एजेंट ने अच्छी नौकरी का झांसा दिया था। मोटी सैलरी दिलवाने के नाम पर हर आदमी से 65,000 वसूले गए थे, ₹1,000। कांगो के एफएक्स फेरको नाम की कंपनी में भेजा था, लेकिन कांगो में उसकी कंपनी ने सभी 42 लोगों के पासपोर्ट अपने पास रख लिए, बंधक बना लिया। 8 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, सैलरी मांगने पर इन्हें परेशान किया जाता है। बंधक बनाए गए लोगों में से तो कुछ का वीजा परमिट भी खत्म होने वाला है। किसी तरह वीडियो बनाकर इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।